भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज फिर से इस क्रम में एक बार चंदीग्राम अखाड़ा में वो तमाम बीजेपी के विधायक मैदान पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिदूड़ी के नेतृत्व में भी यहाँ वो तमाम कार्यकर्ता आए हैं। तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। गोविंद, एक बार ये तस्वीरें दिखाइए, कितने बड़े तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और साथ ही वो तमाम पोस्टर बैनर लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हाथ में लेकर के यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे रमेश बिदूड़ी सांसद जुड़ रहे हैं। रमेश बिदूड़ी जी, जिस प्रकार से लगातार ये बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आप भी यहाँ मौजूद हैं और आपके नेतृत्व में यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उनका रिजाइन लेते अगर वो ईमानदार है तो? अगर वो ईमानदार हैं, जांच में कुछ नहीं मिलेगा, 2 महीने में छूट के आ जाएंगे, तब मंत्री बनाते ना, क्यों नहीं कर रहे? हम ये मांग कर सवाल और आपसे लेते हैं कि जिस प्रकार से आज उनके लॉकर की जांच की गई है, उन्होंने तो ये भी कहा है विधानसभा में कि लॉकर की जांच कर ली गई, रेड हो गई, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं, तो इससे बड़ी देशभक्ति क्या? जब किसी केस को कोर्ट टू कोर्ट नहीं किया जाता है, उससे पहले कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिस्क्लोज नहीं करता क्या मिला क्या नहीं मिला है। ये खुश होते रहे हैं। चोर कभी कहता है मैंने चोरी की है? वो तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, तो जब आईओ जो होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तब खुलासा करेगा कहां से क्या मिला है, कैसा मिला है, किससे पैसा मिला है, किसने दिया है। उन लोगों के बयान भी आएंगे जो कार्टेल थे, जो लोग इनको 2% से 12% कमीशन में 2.5 लाख रुपए महीना हर दुकान का दे रहे थे, वो जब बताएंगे तो सिसोदिया भी तोते की तरह बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो कहेगा मेरी याददाश्त चलेगी सत्येंद्र जैन की तरह। और फिर ये लोग कहेंगे देखो सीबीआई से लोगों पे झूठे बयान दिलवाकर हमें फंसा रहे हैं। तो भाई, वो तो रिश्तेदार तुम्हारे थे, ठीक है, तुमने दिए उन लोगों को 144 करोड़ रुपए तुमने माफ किए इनके, तो वो अगर सच्चे हैं तो क्यों बोलेंगे? वो बोलेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिदूड़ी जी, जिस प्रकार से लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास जारी है आप लोगों का, अभी तक शराब नीति को लेकर ही ये प्रदर्शन था, अब कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को लेकर भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार की जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, उसके बारे में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को ये रिपोर्ट दी है कि इस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से शराब के ठेकेदारों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अरविंद केजरीवाल कहते थे ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, तो हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने नई पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो क्लासरूम बनाए हैं, शौचालय बनाए, वे कच्चे बने हैं, और एक क्लासरूम पर और एक शौचालय पर 33 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। सीबीसी ने कहा है कि इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें कम से कम 2000 करोड़ घोटाला हुआ है। हमने दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर साहिबा से नोटिस देकर यह आग्रह किया कि शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ है, या जो दिल्ली में जो कमरे बनाए गए हैं, क्लासरूम बनाए गए हैं या शौचालय बनाए गए हैं, उसमें जो लगभग 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, उस पर विधानसभा में चर्चा कराई जाए। और भाजपा के विधायकों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके सवालों का विधानसभा के अंदर जवाब दे। वो जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं, वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उनके दामन पर दाग है। जी, एक सवाल आखिरी लेते हैं। आज मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने रेड किया, कुछ नहीं मिला, लॉकर की जांच हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि भाजपा मुझे जबरदस्ती 2-3 महीने के लिए जेल भेजना चाहती है, ऐसा क्या मामला है? देखिए, बात यह है, कोई किसी को जबरदस्ती जेल नहीं भेज सकता। आखिर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और यदि किसी को गलत तरीके से जेल भेजा जाएगा तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह की हल्की बात करने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। वाजपेयी जी, आज यहाँ चंदीग्राम अखाड़ा पे आप अपने तमाम विधायकों के साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है ये अलोकतांत्रिक सरकार है और विपक्ष की आवाज़ को दबाती है। आज सदन में तीसरा दिन हो गया और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि जिस शराब आज घोटाले में अगर उनके खिलाफ जो आर्डर हुए हैं और हम सदन में चर्चा चाहते हैं, अगर वो ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं, तो सदन में चर्चा क्यों नहीं कराते? हम लोग पूरी रात हम लोग बैठे रहे सदन में और ये पहला इतिहास है कि कोई सत्तारूढ़ पार्टी का कोई आदमी पूछने तक नहीं आया। और आज जैसे सदन में हुआ, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चलाई जा रही है वो भी अलोकतांत्रिक है। और कभी 10 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न किया जाता है, कभी आधे घंटे के लिए किया जाता है, और जब मनीष सिसोदिया उनके आते हैं और उसके बाद हम सारे सदस्यों को मार्शल के द्वारा ज़बरदस्ती सदन से बाहर फेंकवा दिया जाता है। और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और हम आज मांग करते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल में जरा सी नैतिकता है और करेक्टर है तो मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए, सदन में आके वक्तव्य देना चाहिए। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से आज आप लोग यहां सड़कों पर हैं प्रदर्शन करने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ और बर्खास्तगी की मांग चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए, पिछले 3 दिनों से हाउस चलाया जा रहा है मगर तीनों दिन विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। नियम 54 नियम 55 में नोटिस देने के बाद भी उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। पूरी दिल्ली आज दिल्ली के शराब घोटाले की तरफ जानना चाहती है। स्कूलों में कमरे जो बनाए गए हैं उसमें सीवीसी की जो रिपोर्ट है उस पर बात करना चाहती है मगर दिल्ली सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है विधायक जी, अभी देखा जा रहा था कि आप लोग कल दिन भर और रात भर वहां विधानसभा के बाहर भी आकर प्रदर्शन किए, आपने वहीं अपना रात गुजारा, इसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली विधानसभा में जो भी जिस प्रकार की भी लोकतांत्रिक कार्रवाई हो रही है उसके बारे में पूरी दिल्ली का ध्यान जाए, दिल्ली विधानसभा लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, इसको लेकर हमने कल पूरा दिन वहाँ पर धरना दिया, पूरी रात वहाँ पर धरना दिया और आज भी हमने सदन के अंदर मार्शलों द्वारा हमें निकाला गया। हम चाहते हैं दिल्ली से जुड़े मुद्दों की सदन के अंदर चर्चा हो, दिल्ली की जनता के सामने ये सच आए कि शराब घोटाले में किसने भ्रष्टाचार किया है और स्कूलों के अंदर जो 33-33 लाख रुपए कमरे बनाए गए हैं उसका दोषी कौन है? महावर जी, जिस प्रकार से लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आज भी आप यहाँ मौजूद हैं चंदीग्राम अखाड़ा में, देखा गया कि सदन के बाहर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, रात भर आप वहीं अपना समय गुजारे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि साथ में आपके आप आम आदमी पार्टी के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी तो अपने को बचाने के लिए काम कर रही है, हमारे सवाल हमारे नहीं हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने वो सवाल खड़े किए तब एलजी ने सीबीआई की अनुशंसा की और सीवीसी ने जो रिपोर्ट दी है अभी शिक्षा नीति पर उसमें 2000 करोड़ का घोटाला बताया है, जिसमें क्लासरूम बनाने में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, टॉयलेट ब्लॉक बनाकर उसे क्लासरूम दिखा दिया गया, एक क्लासरूम के 2-2 मदों से पैसे ले लिए गए, इतना भ्रष्टाचार। तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन लोटस चलाया, अब जब वो काफूर हो गया कहाँ गए 800 करोड़ रुपए, कहाँ गए वो 40 MLA, जब वो चली नहीं तो अब उन्होंने LG पर आरोप लगाना शुरू किया। लेकिन अपने मुद्दों पर जो हमारे सवाल हैं, जो CVC ने खड़े किए हैं, जो LG और CBI और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने खड़े किए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। जी, अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक तरफ आप उनके मंत्रियों को बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, अब वो LG के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, आपके साथ साथ प्रदर्शन, क्या ये कोई कंपटीशन भी है क्या प्रदर्शन का? देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बात है उनकी। LG एक डिग्निटी है, बगैर किसी साज के वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जो उनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। निश्चित रूप से केजरीवाल
पूरे कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। मोहन सिंह जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आज आप अपने तमाम विधायकों के साथ चंडीग्राम अखाड़ा पे आए हुए हैं, कल देखा गया कि सदन के बाहर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है और दिल्ली की चर्चा लोकतंत्र के मंदिर में होनी चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब का इतना बड़ा घोटाला हुआ हो, शिक्षा के नाम से घोटाला किया गया हो, पीने के पानी के नाम से एक बूंद नहीं मिलती हो, डीटीसी के बसों में घोटाला हो, तो हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि नियम और कानून के अनुसार वहाँ चर्चा होनी चाहिए। सरकार चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि चर्चा में वो भाग रहे हैं, हमको सदन से बाहर कर दिया जाता है। जो वास्तव में कि चर्चा करना चाहते थे उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा विरोध है। आज विधानसभा में मेरे द्वारा फिर एक कहा गया, यदि आपको सदन 3 या 4 दिन चलाना था तो 3-4 दिन का एक नोटिस इशू होना चाहिए, जिसमें हम प्रश्न लगाना चाहते, हम उसमें बात आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा करने में दूर भाग रही है और निश्चित रूप से हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सरकार इन विषयों पर चर्चा नहीं करेगी, दिल्ली के लोगों को न्याय नहीं दिला सकेंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। विधायक जी, ये भी देखा जा रहा है कि आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई ने रेड किया कुछ नहीं मिला, आज लॉकर जांच हुआ फिर भी कुछ नहीं मिला, वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जबरदस्ती जेल भेजना चाहती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, कभी ऐसा हो सकता है क्या? वो तो बहुत कट्टर ईमानदार की बात करते थे, वहाँ किस प्रकार से सीबीआई ने रेड के अंदर बहुत सी चीज़ें, लेकिन समय का इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और मनीष सिसोदिया की जगह जेल में है, ऐसा मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये जो है प्रचंड प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लगातार जो है सीएम आवास के पास एक एक दिन, दो दो दिन का गैप देकर कभी लगातार भी ये बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपने देखा किस प्रकार से सांसद रमेश बिदूड़ी के नेतृत्व में जो है वो तमाम बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया, तमाम वो विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे मौजूद थे दिल्ली विधानसभा के, तो लगातार इनका ये प्रदर्शन जारी है। मांग एक ही है कि मनीष सिसोदिया, सुदीन जैन को बर्खास्त किया जाए, साथ ही अब तो ये भी मांग होने लग गया है कि अरविंद केजरीवाल भी खुद इस्तीफा दें, तो कहीं ना कहीं अभी प्रदर्शन इनका आक्रामक रूप लेता चला जा रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप रख रहे हैं इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। कैमरामैन गुणमंडल के साथ प्यारे मंत्री पार्टी दिनेश सुप्टेन, दिल्ली।